समा सानू स्वै पड़चोलदा भी आ। अज इस पवित्र तख्ते एकत्र होए आ, अज अपने अंदर झाती भी मारनी पऊगी कि अज आपां किते कृपाना नालों डूंघे जखम किते सोशल मीडिया राही तां नहीं दे रहे। सियाणे कहिंदे आ फट मिट जांदा बोल नहीं मिटदे, पर अज मैं देख रहा सिख पंथ ले सब तो वड्डी चुनौती आ जिहड़ी साडे सोशल मीडिया की आ। अज वख वख जथेबंदियां भावें सिखी की सेवा कर रही, पर बोल कबोल जिस ढंग नाल बोलते आ उत्थे फिर जिहड़े दूसरे धर्मां दे लोग वो कई बार मैनू टेलीफोन भी करते आ कि तुसी खालसा पंथ समुची दुनिया की अगवाई करदा, पर आपो विच ही तुहाडी लड़ाई एडी वड्डी आ कि गालां कढ़न तो भी आपां संकोच नहीं करते। अज मैं सिख पंथ नूं इह भी बेनती करनी चाहुंदा, कुछ अपने पुराने इतिहास तो सानू सीखना भी चाहीदा, वो की शिक्षा लैनी चाहीदी आ। आपां दमदमी टकसाल दे मुखी महान ब्रह्म ज्ञानी बीवीं सदी दे महान सिख जिन्हां नूं अकाल तख्त साहब तो वड्डा दर्जा सतगुरु जी ने बख्शिश किया, संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, उन्हां तो वड्डी शक्ति नहीं कोई भी हुणी इस धरती दे उत्ते। समां देखो जिन्हें देखिया उस वेले उन्हां नूं सारा कुछ पता, पर संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले हमेशा ही श्री अकाल तख्त साहब जी के सन्मुख रहे। बड़िया चुनौतियां आईयां उन्हां तो पहला संत बाबा करतार सिंह जी सचखंड वासी बड़ी वड्डी पंथ की जथेबंदी सी, जे जथेबंदी ने धन धन बाबा दीप सिंह जी की उस पुरातन मर्यादा नूं अज भी साडे बरकरार रख्या आ। उन्हां तो पहला संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, संत बाबा सुंदर सिंह जी, ये मैं तां तुहाडे नाल सांझा कर रहा कि सिख पंथ की महान विरासत जिथे निहंग सिंह सामभ के बैठे आ उत्थे एक कथा ते कीर्तन दा जिहड़ा सतगुरु जी ने सानू एक अभ्यास बख्शिश कीता सी उत्थों सानू अज सीखना भी चाहीदा। संतां दे नाल रहण वाले उन्हां दी संगत करन वाले वो ये गल नूं भली भांत जाणदे आ, विचारधारक मतभेद होण दे बावजूद उन्हें हमेशा श्री अकाल तख्त साहब नूं तकड़ा देखिया। यही कारण आ कि श्री अकाल तख्त के सन्मुख हो के बाबा गुरबख्श सिंह वाली वह शहीदी नूं रिपीट किया जिहड़ी खालसा पंथ की अज विरासत साढ़े कोल उत्थे सचखंड श्री हरिमंदर साहब में सुशोभित आ। समा सानू स्वै पड़चोलदा भी आ। अज इस पवित्र तख्ते एकत्र होए आ, अज अपने अंदर झाती भी मारनी पऊगी कि अज आपां किते कृपाना नालों डूंघे जखम किते सोशल मीडिया राही तां नहीं दे रहे। सियाणे कहिंदे आ फट मिट जांदा बोल नहीं मिटदे, पर अज मैं देख रहा सिख पंथ ले सब तो वड्डी चुनौती आ जिहड़ी साडे सोशल मीडिया की आ। अज वख वख जथेबंदियां भावें सिखी की सेवा कर रही, पर बोल कबोल जिस ढंग नाल बोलते आ उत्थे फिर जिहड़े दूसरे धर्मां दे लोग वो कई बार मैनू टेलीफोन भी करते आ कि तुसी खालसा पंथ समुची दुनिया की अगवाई करदा, पर आपो विच ही तुहाडी लड़ाई एडी वड्डी आ कि गालां कढ़न तो भी आपां संकोच नहीं करते। अज मैं सिख पंथ नूं इह भी बेनती करनी चाहुंदा, कुछ अपने पुराने इतिहास तो सानू सीखना भी चाहीदा, वो की शिक्षा लैनी चाहीदी आ। आपां दमदमी टकसाल दे मुखी महान ब्रह्म ज्ञानी बीवीं सदी दे महान सिख जिन्हां नूं अकाल तख्त साहब तो वड्डा दर्जा सतगुरु जी ने बख्शिश किया, संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, उन्हां तो वड्डी शक्ति नहीं कोई भी हुणी इस धरती दे उत्ते। समां देखो जिन्हें देखिया उस वेले उन्हां नूं सारा कुछ पता, पर संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले हमेशा ही श्री अकाल तख्त साहब जी के सन्मुख रहे। बड़ियां चुनौतियां आईयां उन्हां तो पहला संत बाबा करतार सिंह जी सचखंड वासी बड़ी वड्डी पंथ की जथेबंदी सी, जे जथेबंदी ने धन धन बाबा दीप सिंह जी की उस पुरातन मर्यादा नूं अज भी साडे बरकरार रख्या आ। उन्हां तो पहला संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, संत बाबा सुंदर सिंह जी, ये मैं तां तुहाडे नाल सांझा कर रहा कि सिख पंथ की महान विरासत जिथे निहंग सिंह सामभ के बैठे आ उत्थे एक कथा ते कीर्तन दा जिहड़ा सतगुरु जी ने सानू एक अभ्यास बख्शिश किया सी उत्थों सानू अज सीखना भी चाहीदा।
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ।